उत्तर प्रदेश के मथुरा में सोमवार को सराफा व्यापारी के यहां लूट और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस बीच पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं ताकि अपराधी जल्द पकड़े जा सकें। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने सोमवार शाम एक सराफा व्यापारी की ज्वेलरी शॉप में 4 करोड़ की लूटपाट की। इस दौरान लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मार दी, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बदमाशों ने अपने मुंह को हेलमेट और कपड़ों से ढका हुआ था। इस बीच यूपी पुलिस के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर घटना के सीसीटीवी फुटेज की फोटो और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए हैं। पुलिस अधिकारी ने फोटो और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मथुरा सराफा डकैती के इन हथियारों की शिनाख्त करें और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं। पुलिस अधिकारी की मंशा भले ही हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की है, लेकिन ट्विटर पर इस तरह घटना का फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने से इससे दूसरों को भी अपराध करने का बढ़ावा मिल सकता है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। इससे पहले मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। घटना को लेकर बुधवार को व्यापारियों ने मथुरा बंद रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।